खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। पिछले 1.5 वर्ष के अपने लोकार्पण की राह ताक रहे पेटलावत में सिविल अस्पताल को कोविड केयर सेंटर के उपयोग के लिए शुरू करने के लिए आज जनता को समर्पित कर दिया गया। कोविड के जिला प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग एवं सांसद गुमान सिंह डामो ने फीता काट तथा पूजन कर उक्त अस्पताल को शुरू किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री डंग ने कहा कि 8,63,00,000 की लागत पेटलावत का इस भवन को लोकार्पित करने की मांग पिछले दौर में सामने आई थी, जिस पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर आज इसे जनता के लिए खोला जा रहा है, जिससे इस समय पेटलावत क्षेत्र के निवासियों को फायदा मिलेगा। सांसद गुमान सिंह डामोर ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में इस अस्पताल की मांग चल रही थी, अब यह बनकर तैयार हो चुका है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, एसपी आशुतोष गुप्ता, एसडीएम शिशिर गेमावत, एसडीओपी सोनू डावर सहित बीएमओ एमएलए चोपड़ा, तहसीलदार जितेंद्र अलावा, नगर परिषद अध्यक्ष मनोहर लाल बटेवरा, जनपद अध्यक्ष मथुरी बाई नीनामा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू मंडोत, मंडल महामंत्री संजय कहार, उपाध्यक्ष गौतम गहलोत, रमेश सोलंकी, मूलचंद नीनामा, जनपद सदस्य तेजमल सोलंकी, जगदीश जाटव सहित स्टाफ उपस्थित रहे। जमीन है हमारे पास और इस 10 एकड़ जमीन में 4,300 वर्ग मीटर के आसपास इसमें निर्माण हुआ है। 8,63,00,000 का ये 2 मंजिला अस्पताल है। लंबे समय से पेटलावत क्षेत्र में एक अच्छे अस्पताल की मांग की जा रही थी और मैं समझता हूँ कि आज से उसकी शुरुआत हुई है और धीरे 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 हम इस अस्पताल को एक अच्छे अस्पताल का मूर्त रूप देंगे। खुशी की बात यह है कि अस्पताल शुरू होते ही हमारे पेटलावत के दानदाताओं ने भी आगे आना शुरू किया और हमारे पेटलावत नगर के समाज से भी गौतम जी गहलोत और अन्य सभी दानदाताओं ने 16.5 लाख रुपये के प्लांट लगाने की अभियान की शुरुआत की है और जिसमें अभी बता रहे थे कि 9-10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं। 16.5 लाख का ये प्लांट लगेगा और इस प्लांट लगने से हमारे यहाँ के लगभग 20 ऑक्सीजन बेड हो जाएंगे। हमारे क्षेत्र के मरीजों को अब रतलाम, दाहोद या झाबुआ का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। काफ़ी हद तक हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम हमारे इस क्षेत्र के मरीजों का इलाज हम यहीं करवाएं। अच्छी बेहतरीन तरीके से सभी साथियों के सहयोग से जो एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस कोविड पे हम जीत दर्ज करें और मुझे विश्वास है कि जीत गति से अपन चल रहे हैं सब मिलके एक सामूहिक, क्योंकि कोरोना ना तो किसी पार्टी का होता है, ना किसी समाज का होता है, ना किसी जात पात का होता है। ये लड़ाई अपन को सबको मिलकर लड़ना है और मेरा एक और निवेदन है पत्रकार बंधुओं के जो अपनी सक्रिय भूमिका हमेशा निभाते हैं, इनके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी समाज के मुखिया हैं और जितने भी समाज के व्यक्ति जो हमारे मुख्य धारा से जुड़े रहते हैं उनसे निवेदन है कि आप हमेशा जो सहयोग करते हैं और पेटलावत की जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने कहा एक अलग ही पहचान है, चाहे वो धार्मिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा यहाँ पर लेते हैं। मेरा एक निवेदन है कि अपन सब कुछ लाख सुविधा दे रहे हैं, यहाँ पर इलाज भी प्रारंभ कर रहे हैं, पर जब तक वैक्सीन का उपयोग हमारे 45 साल से अब उम्र और कम 18 होने वाली है हो गई है, पर कहीं ना कहीं अपन जो वैक्सीन लगाने में यहाँ पर धीमी गति है उसको अपन को बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन लगने से अपन को कई प्रकार के खतरे टल जाते हैं या कम हो जाते हैं, इसलिए आपके माध्यम से। झाबुआ से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।